नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर पिछले एक महीने में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है। खास तौर पर देही मुकामात पर हजारों एकड़ अराजी पर फैली खेती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सैलाब मुतासरा देहातों में किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में सैलाब मुतासरा लोगों के हालात का जायजा लेने के लिए और बारिश की वजह से हुए नुकसान के बारे में तफसीलात मालूम करने के लिए एनसीपी के अपोजिशन लीडर अजीत पवार ने आज नांदेड़ का दौरा किया। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने नांदेड़ जिले के माहौर तालुके से की। यहां उन्होंने पेन गंगा नदी में आए सैलाब की वजह से किसानों के हुए नुकसान के बारे में मालूमात हासिल की। सैलाब मुतासरा किसानों से शख्सी तौर पर मुलाकात की, उनके हालचाल मालूम किए, साथ ही बारिश की वजह से हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी हासिल की और उन्हें ये यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को असेंबली में उठाएंगे, वजीर आला से मुलाकात करेंगे और फौरी उनकी मदद के लिए हुकूमत से इकदामात करने का मुतालबा करेंगे। अजीत पवार से मुलाकात के दौरान कई किसानों की आंखों में आंसू थे, उन्हें अपनी तबाही का गम सता रहा है। सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने फसलें लगाई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलने से पहले ही फसलें सैलाब में बह गई, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बेशतर किसानों की हालत ये हो गई है कि इन्हें फौरी कोई मदद नहीं की गई तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सैलाब से हुए नुकसान से तंग आकर इसी सिलसिले में एक किसान ने खुदकुशी भी की है। महलूक किसान की बीवी ने अजीत पवार से मुलाकात की और अपने मसाइल उनके सामने बयान किए। एक गोष्ट मला राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सांगायची, आम्ही दौरा करतोय तर त्या दौऱ्याबद्दलच चर्चा करताय। माझं त्यांना सांगणं आहे की ती चर्चा करण्याच्यापेक्षा तुम्ही तुमचं काम करा, आम्हाला आमचं काम करू द्या। आज आपल्या माहूर तालुक्यामध्ये कालच एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली। आज मगाशी त्याची बायको आणि त्याचं छोटं बाळ छोटं मूल ते आणि त्याचा मेवणा म्हणजे त्या बायकोचा भाऊ हे तिघही आम्हाला भेटले, गावकरी पण भेटले। आम्ही सातत्याने सांगतोय आम्हाला ह्याच्यात राजकारण करायचं नाही, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे। आज पाऊस देऊ पडून जाऊन इतके दिवस झाले तरी देखील पंचनामे झाले नाहीत। बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची किंवा शेतमजुरांची घरं पडलेली आहेत, त्याला तातडीनं जी 5,000 रुपये मदत करायची असते ती मदत मिळालेली नाही। आणि आता त्या व्यक्तीशी त्या महिलेशी मी बोलत होतो, म्हणलं काल आत्महत्या केली, ते म्हणले दादा माझ्या नवऱ्याने विष प्राशन केलं आणि सरळ सांगितलं की आत्ता इतके दिवस झाले तरी कुठल्याही प्रकारची मला मदत मिळत नाही आणि त्याच्यामुळं माझं आता कसं प्रपंचाचं कुटुंबाचं होणार, ह्या दुःखामध्ये त्यांनी स्वतःला संपवलं। आता एकनाथराव शिंदे तुम्ही मला सांगा की 302 गुन्हा कोणावर दाखल करायचा? आपण राज्याचे मुख्यमंत्री झालेला आहात आणि तुम्ही सगळीकडे फिरताय तो तुमचा अधिकार आहे, त्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही। पण जे सध्या सर्वात महत्त्वाचं संकट आपल्या मराठवाडा विदर्भच्या जनतेवर आलेलं आहे, त्या संकटामधनं त्या लोकांना बाहेर काढायचा प्रयत्न करा ना। पहिल्यांदा त्यांना एक आत्मविश्वास द्या ना की बाबा नका तुम्ही आत्महत्येच्या पर्यंत विचार करू, आत्महत्या तर अजिबात करू नका, तुम्हाला संकटातनं 100% सरकार बाहेर काढेल। नुसतं बाहेर काढेल बाहेर काढेल, 15 दिवस अजून पंचनामेदाही, बाकीच्या प्रकारची कुठली मदत नाही। मात्र इकडं तिकडं फेऱ्या चाललेल्या आहेत, इकडं तिकडं दौरे चाललेले आहेत, ते दौरे महत्त्वाचे आहेत का माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे? ह्याचा कुठंतरी विचार मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री केला पाहिजे आणि त्या जी भगिनी आज आमची विधवा झालेली आहे तिला न्याय मिळाला पाहिजे। काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात मग तुम्ही लक्ष देणार आहे? ह्याचं उत्तर सरकारने दिलंच पाहिजे। शानदार इमारत की तामीर में खूबसूरत टाइल्स और ग्रेनाइट की बड़ी अहमियत होती है। अगर आप भी अपने मकान की तामीर के लिए उम्दा क्वालिटी के टाइल्स और ग्रेनाइट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स
टाइल्स एंड ग्रेनाइट लाए हैं हमा अकसाम के टाइल्स और ग्रेनाइट का बेहतरीन जखीरा। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेंगे पी वाइट, पैरल ब्लैक, लाइन पॉलिश, गैलेक्सी ब्लैक, टाइगर ब्लैक, कॉफी ब्लैक, राजस्थानी ब्लैक, स्टील ग्रे, सफारी ब्लू, टैन ब्राउन और इसके अलावा कड़प्पा की तमाम अकसाम एक ही छत के नीचे मियारी ग्रेनाइट और वो भी वाजबी दामों पर। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है फ्रेंड्स टाइल्स एंड ग्रेनाइट, रूबरू हैदर गार्डन, माल टेकड़ी रोड, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद मुश्ताक सैयद फैज़।